एमपी के कटनी में टनल धंसने से बड़ा हादसा, टनल की दीवार धंसने से 9 मजदूर मलबे में दबे। जबलपुर और भोपाल से एसटीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू, सभी मजदूरों को मलबे से बाहर निकाला गया। कोरोना के घटते केस पर यूपी सरकार का एक और बड़ा फैसला, नाइट कर्फ्यू के समय में किया बदलाव। अब रात 10 बजे की जगह 11 बजे से नाइट कर्फ्यू, अभी तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू था नाइट कर्फ्यू। देश में कोरोना वायरस के घट रहे मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 44,877 नए केस सामने आए हैं, 684 लोगों की जान गई है, 1,17,591 रिकवर हुए, टोटल मामले हुए 4,26,31,421। देश में पॉजिटिविटी रेट अब 3.17%, एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 5,37,045 हुई। वहीं इस महामारी से अब तक 5,08,665 लोग गंवा चुके हैं जान, अभी तक 4,15,85,711 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत रविवार को 49,16,801 डोज दी गई, जिसके बाद कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा हुआ 172,81,49,447। देश भर में 24 घंटे में 14,15,279 कोरोना सैंपल टेस्ट हुए, कुल 75,07,35,858 सैंपल किए जा चुके हैं टेस्ट। एटा में व्यापारी की 5 साल की बेटी की हत्या का खुलासा हुआ है, फिरौती के लिए अगवा कर की गई हत्या, दुष्कर्म का भी प्रयास किया गया। 4 फरवरी को मिला था मासूम का शव, 2 लोगों की गिरफ्तारी। कासगंज की सदर कोतवाली में 3 महीने पहले हुई युवक की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने दोबारा पोस्टमार्टम का दिया आदेश। कोर्ट ने कहा कब्र से युवक का शव निकालकर दिल्ली एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए, 1 महीने बाद होगी अगली सुनवाई। सूत्रों के मुताबिक 3 से 5 मार्च तक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही प्रवास करेंगे, वाराणसी समेत गाजीपुर, मऊ, जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, आजमगढ़ में ताबड़तोड़ रैलियां कर सकते हैं पीएम। पीएम मोदी वाराणसी में रोड शो और डोर टू डोर कैंपेन भी कर सकते हैं। मेरठ की जेल में आईपीएल की तर्ज पर जेल प्रीमियर लीग का आयोजन, कैदियों ने खूब लगाए चौके छक्के, जेल अधीक्षक ने कहा कोरोना काल में बंदियों को डिप्रेशन से निकालने में मदद करेगी। यूपी जेई 2022 प्रवेश परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, संयुक्त पॉलिटेक्निक परीक्षा 6 से 12 जून तक होगी, 15 फरवरी से लेकर 17 अप्रैल तक होगा आवेदन, 29 मई को जारी होगा प्रवेश पत्र। पौड़ी में पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथ के लिए किया गया रवाना, 407 पोलिंग पार्टी को पौड़ी के कंडोलिया मैदान से रवाना किया गया, 267 पोलिंग पार्टी को कोटद्वार से लंसडाउन, यमकेश्वर और कोटद्वार के पोलिंग बूथ के लिए भेजा गया। लखनऊ नगर निगम के कारनामे की तस्वीर हुई वायरल, गाड़ी के अंदर गाड़ी चालक की मौजूदगी के बावजूद क्रेन से जबरन उठाई गई गाड़ी, गाड़ी चालक और नगर निगम के बीच जोरदार बहस हुई। जौनपुर में बाइक शोरूम में दिनदहाड़े दबंगई, बाइक सर्विस को लेकर कर्मचारी को पीटा, शोरूम के अंदर कर्मचारी को जान से मारने की मिली धमकी, सीसीटीवी में कैद हुई दबंगई की तस्वीरें, पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज की। चार साल बाद देश के बैंकिंग सेक्टर में एक और बड़ा घोटाला हुआ, एबीजी ग्रुप ने 2 दर्जन से ज्यादा बैंकों के साथ धोखाधड़ी की, 28 बैंकों को लगाया 22,000 करोड़ से ज्यादा का चूना, अब तक 8 लोग गिरफ्तार। हिजाब मसले पर आया विदेश मंत्रालय का बयान, पाकिस्तान और अमेरिका से कहा आंतरिक मसलों पर बयानबाजी बर्दाश्त नहीं होगी, पाकिस्तान ने भारत में धार्मिक असहिष्णुता, नकारात्मक रूढ़िवादिता और मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाया था। यूक्रेन विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने फोन पर की बात, तकरीबन 1 घंटे हुई बातचीत में बाइडेन ने पुतिन को समझाने के अंदाज में कहा यूक्रेन पर हमला करने से व्यापक मानवीय हानि होगी।